आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर बात करते हैं डॉलर के ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में बड़ी कमी वाकई हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हो चुका है। डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 308 रुपये पर पहुँच चुका है। इसी हवाले से बात करते हैं प्रेजिडेंट फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब ने हमें मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि ये जो हुकूमती काविशें हैं ये हम देख रहे हैं किसी हद तक रंग ले आई हैं और हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में बड़ी कमी वाकई हुई है। इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा अच्छा देख रहे हैं, ये बड़ा अलग कदम है और सारा क्रेडिट में चीफ आर्मी स्टाफ साहब को जाता है जिन्होंने अपना डंडा चला के हमारे मुतालबे पे इनके खिलाफ करेक्ट डाउन की है, ब्लैक माफी और सत्यवाद माफी और उसके नतीजे ये निकले डॉलर 335 से कम हो गया, ज्यादा 305 और 308 के दरमियान है और भी गिरेगा। अच्छा, और साल बाद जो है पहली दफा इंटर बैंक और फ्री मार्केट बिल्कुल बराबर हो गए, वरना हमेशा फ्री मार्केट ऊपर ही जा रही थी। तो ये हमने उन्हें बताया था कि पिछले हफ्ते के वीडियो पे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त जितने भी ब्लैक मार्केट है वो यही कंपनी के मार्केटों के बाहर खड़े होंगे, जो भी क्लाइंट आता है उसको रोक लेते हैं और उसे वहीं ज्यादा रेट ऑफर करके अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं और हमारी सप्लाई उन्होंने बिल्कुल ही काट दी है। 90% मार्केट उनके आगे हैं जिसमें डॉलर का रेट आपने देखा फ्री मार्केट का इंटर बैंक 35 रुपये का फर्क था जो आज खत्म हो गया। तो मेरी मैंने उनको बताया कि इसको परमानेंट बुनियाद पे कि पहले भी 2-3 दफा करेंट टाइम हुआ अंडर ग्राउंड होते हैं फिर भाग जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो ये इनके खिलाफ मुश्किल बुनियादों पे पूरी विजिलेंट टीम बनाई जाए और जब भी आए इनको पकड़ कर उनको सजा दी जाए, उनकी करेंसी जब्त कर ली जाए। और इसके साथ साथ हमें इंडिया की मिसाल है, चाइना की मिसाल है जिन्होंने अपनी इकानमी को डिजिटलाइज की है, पुराने नोट बड़े नोट सारे खत्म कर दिए, हमें भी 5,000 के नोट खत्म करके पूरी इकानमी को डिजिटलाइज करना होगा। और ये जो इस वक्त 9,000 अरब रुपया इस मासी के पास पड़ा है खबर दी है और ये कभी शुगर में घुस जाते हैं, कभी आयरन में, कभी गोल्ड में, कभी सिल्वर में, कोई ना कोई चीज प्रोडक्ट में सट्टेबाजी करते हैं कभी डॉलर में, वो नॉन फाइलर खत्म कर तमाम को फाइलर बनाए तमाम ताकि इकानमी डॉक्यूमेंट हो ताकि हर आदमी टैक्स दे और ये पाकिस्तान तक भी तरक्की करेगा। और ये मैं समझ सारा क्रेडिट चीफ ऑफ स्टाफ है जो कि जिन्होंने पहली दफा जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ थे वो बैक डोर इंस्ट्रक्शन देते, ये पहला चीफ ऑफ जो क्रीज से बाहर निकला है और अपने तमाम ताजरों से मिला है, उनके मसाइल हल किए हैं और तमाम को एक पूरी कौम जो मायूसी का शिकार थी उम्मीद की किरण बन के उभरे, इंशाल्लाह ताला कामयाब भी करे पूरी कौम। बिल्कुल ऐसे सर। अच्छा, ये अगर यही सूरत हाल रही, ऐसी ही स्ट्रिक्टनेस रही डॉलर जखीरा अंदोजों के खिलाफ, तो आपकी एंटिसिपेशन क्या है, कहाँ तक जाकर डॉलर रुकेगा, कितना नीचे आ सकता है मजीद? देखो डॉलर का रियल रेट तो 250 ही है, तो मैं भी कह रहा हूँ डार साहब भी कहते कहते चले गए और ब्लूमबर्ग में यही कहा है कि हमारा रुपया बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू। आप देखो ना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़े हैं, अफगानिस्तान रुपये जो 29% डीवैल्यू हुआ है, 88 से कम होकर 82 पे आ गए, 12% उनका इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो 2 अरब डॉलर को उन्होंने रिजर्व बनाए, 7 अरब डॉलर को गोल्ड के और आयरन के मैदे भी कर लिए और सब दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल दरिया भी बना रहे हैं एक्सपोर्ट, वो कहते हैं हम गन्ने और लोहा एक्सपोर्ट करेंगे, वक्त आएगा। अभी भी उनकी एक्सपोर्ट जो है 3 अरब डॉलर तक चली गई मादरियात में पर, तो हमें इसे सबक सीख लें हम लोग जो सादगी ये 17 अरब डॉलर की जो इंडस्ट्री खत्म करें, बिजली मुफ्त और ये जो पेट्रोल मुफ्त, ये सारे मुफ्तोरियन से इनको जान छुड़ाए कौम की, ये मुफ्तोरन मुल्क की याद होती है। तो इसके असरात अब आवाम तक मुंतकिल होंगे, ये जो अभी डॉलर की हम बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जब ये इंपोर्टर मार्केट है इन्होंने कार्टल बना दिया था इंडस्ट्री के साथ और ब्लैक और हवाला मार्केट के साथ मिलकर, जिसकी वजह से हमारी वर्कर इंडस्ट्री साहब मुतासर कम हो गई, तो वहीं से कैच कर रहे और यहाँ पे जो है ये ब्लैक वाले कम करें, तो अब इसके खिलाफ जब क्रैक होएगा तो खुद बहुत हमारा वर्कर इंडस्ट्री बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी वैल्यू एडेड बढ़ेगा। और अभी जो जैसे फिल्टेशन काउंसिल बनाई गई है उसमें एग्रीकल्चर को, मादियात को, लाइफ स्टॉक को और तमाम चीज़ों पे जो आईटी को प्रमोट किया जाएगा और जो रेकॉर्ड है उसमें भी सऊदी ने रजामंदी जाहिर की 60-25% से खरीदेंगे, उम्मीद है किसी वक्त भी 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ सकते हैं जो पाकिस्तान के तकदीर बदल सकते हैं और पाकिस्तान को अपने पाँव में खड़े कर सकते हैं। दोस्तों ममालक का यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान लोन की बजाय अपने पाँव पर खड़ो और अपने एक वैल्यू बनाए। यानी आप कह रहे हैं कि अभी जो आर्मी चीफ की और निगरा वजीर आजम की हालिया मुलाकातें हुई हैं ताजरों के साथ, कारोबारी हजरात के साथ, उससे एक बेयकीनी की जो कैफियत थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लोगों का एतमाद बढ़ा है? बहुत ज़्यादा लोग मायूस हो चुके थे और अल्लाह ने एक रोशनी की किरण दी और ये अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, पूरी कौम मैं समझता हूँ अपनी आर्मी और
के साथ है, चीफ ऑफ स्टाफ के साथ है, जो कि पहले आपने देखो इतने दौरे किसी चीज़ ने नहीं की और इतनी मुलाकात करके उनको मसाइल हल की और उनको मौके पर उसको एक्शन भी लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आप नहीं समझते कि ये जो अभी तो निगरान हुकूमत है, इससे पहले हमने देखा कि जो पीडीएम की हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून खास तौर पे, अभी जिस तरह से वो सारी सिचुएशन पर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारे 16 माह में सिर्फ हम पर ही ना डाला जाए सारा मलबा जो कुछ हुआ, उस वक्त में अगर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता, ये तमाम तरह इकदाम कर लिए जाते, तो आज हम इस सिचुएशन में खड़े ही ना होते। देखो वो एक सियासी हुकूमत थी, अब निगरान हुकूमत पर सियासी, तो अभी तो चीफ आर्मी स्टाफ ने निगरान हुकूमत देखा कि उसके हाथ पांव फूल गए, जैसे शमशाद बेगम साहब ने बयान दिया कि मुझे नहीं पता था इतने हालात खराब है, मैं ऐसे चार्ज ही नहीं लेती, तो उन्होंने फिर बेहतर समझे कि मैं इनका हौसला दूँ, बनूँ और इनका लीड करूँ और इनको मायूसी को उम्मीद में बदलूँ, तो यही वही जज्बा था, वही जिसने अमल किया और अमल की जिंदगी बनती है जन्नत की जन्नत, और लगता है मुल्क जन्नत बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब बोल न्यूज से बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।